ऐसा रोमांटिक कुछ तब हुआ था ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम उस भैया से क्या सेटिंग करें। मतलब खचा खच लोग भरे हुए हैं। पहले तो उतना पैसा भी नहीं होता था कि हाँ आके कुछ भी खरीद पाए। आगे अब क्या करना है? चश्मा, ये दोनों दूसरा आ गया। वेलकम बैक टू दी चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड साउंड। जो भी यहाँ पे नए हैं इस चैनल पे, मेरा नाम है कसा गुप्ता एंड आई मेक वीडियोज ऑन एनी थिंग एंड एवरी थिंग वट एवर हैपन्स इन माई लाइफ। तो अभी बच चुका है शाम का 6 और हम आज गए थे अपने ऑफिस के पार्टी में। तो सुबह उठ के 8 बजे ही निकल गए थे और अभी थोड़े देर पहले आए हैं। तो वैसे तो ब्लॉग शुरू करने का मेरा आज कोई सीन नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा थक भी गए थे, बट दो चीज हुआ आज जो लगा कि नहीं आप लोग को बताना ही बताना है। तो सबसे पहली बात तो जब ऑफिस के पार्टी में गए थे ना, तो देयर वर मेनी पीपल हु लिटरली स्टॉप्ड एंड टोल्ड कि हाँ भाई जो तुम ब्लॉग बनाती हो बहुत अच्छा है एंड आई रियली लाइक इट। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू ऑल कि यार ये सब कमेंट जब आता है ना तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना खुशी होता है ना कि हाँ भाई जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं ना दैट्स बीइंग नोटिस्ड एंड यू नो पीपल आर लाइकिंग इट। और दूसरा ये है कि जब हम घर आए तो कुछ महाराज घर पे अकेले थे आज दिन भर, वो जिम भी नहीं गए और अपना वो रेस्ट डे किए। एंड व्हेन आई केम तो ऐसे हम लोग का बात होते होते बात हुआ कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। तो ऐसा रोमांटिक कुछ तब हुआ था ना जब हुमायूं आया था, जो बाबर का बेटा है ना, जब वो इंडिया आया था ना तब ऐसा कुछ रोमांटिक हुआ है। तो बहुत ज्यादा ही हिस्टोरिक मोमेंट हो गया मेरे लिए कि भाई कुछ राठौर हमको कहीं लेके जाना चाहता है। तो हम बोले कि नहीं भैया ये तो व्लॉग बनाना ही पड़ेगा और दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर यही है और अभी बस जाते हैं हम, थोड़ा फ्रेश होते हैं क्योंकि सुबह से इन्हीं कपड़ों में है। तो एनीवेज तो बस अभी जाते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा पहनते हैं और कुछ के साथ निकलते हैं और फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। और हम हो गए हैं अब रेडी और जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ एक मतलब ये हो गया कि मेरा अभी अमेजोन का एक पार्सल भी आने वाला है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम उस भैया से क्या सेटिंग करें कि वो कहाँ रख के जाए। ही हैज अ वेरी गुड हैबिट, जब भी ये बाहर जाता है घर से तो हमेशा ही पूजा करके जाता है। ये बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब मेरे से तो उतना नहीं होता बट ही मेक श्योर कि वेन एवर ही इज लीविंग द हाउस ही ऑलवेज डज पूजा एंड देन ओनली ही लीव्स। बाय द वे ये देखो, तो एक्चुअली ऑफिस में ना बहुत सारा एक्टिविटीज हुआ था, तो उसमें जो जिस टीम से हम थे हम लोग को फर्स्ट विनर का अवार्ड मिला था और ये सारा है वो अवार्ड। अब हम लेके तो आ गए, वैसे हम बहुत सारा शेयर किए सबके साथ बट इतना सारा बच गया था जो हम अपने साथ लेके आ गए। अब बस हमको फिगर आउट करना है कि हम किन लोग के साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये तो होंगे नहीं। हम लोग अभी आ गए हैं MG ब्रिगेड रोड और भाई इतना भीड़ है ना, मतलब खचा खच लोग भरे हुए हैं। और ऑब्वियस सब आते क्योंकि सैटरडे है तो ऑब्वियसली लोग भरे ही होंगे। एंड इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई एंड कुश वी हैव कम टू MG रोड। मतलब जब हम लोग पहले कॉलेज में थे तो हम लोग बस ऐसे ही स्कूटी उठा के निकल जाते थे, तो अभी पूरा नॉस्टैल्जिया जैसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे। पहले तो उतना पैसा भी नहीं होता था कि हाँ आके कुछ भी खरीद पाए या फिर कुछ भी ज्यादा हाई फाई वाला चीज कर पाए, लेकिन हाँ अभी तो ऑब्वियसली बहुत सारा चीज चेंज हो गया। बट पहले हम लोग ऐसा बहुत करते थे कि हम लोग बस रैंडमली उठ के MG रोड, ब्रिगेड रोड या फिर एयरपोर्ट बस चले गए हैं क्योंकि बस पेट्रोल तक का ही पैसा होता था, तो हम लोग बस जाते थे और घूम के आ जाते थे। हम लोग याद है कॉलेज में ऐसे ही आ जाते थे बट तब हम लोग के पास पैसा नहीं होता था कुछ भी खरीदने के लिए। आज कुछ के पास बहुत सारा पैसा, हम जो बोलेंगे वो खरीद देगा। आगे अब क्या करना है देख रहे हो, प्रायोरिटीज बहुत सेट है। इधर मैं पूछ रही हूँ कि आगे क्या करना है तो बोल रहा है बटर कम डालना है भैया को। बस ऐसा पति लोग के साथ क्यों होता है कि मतलब बस वो लोग पूछते ही रहते हैं कि ठीक है कहाँ चलना है, क्या लेना है, क्या करना है। वो लोग अभी बोल क्यों नहीं सकते, वो बस हमको बोला ठीक है चलो MG चलते हैं, लेकिन आने के बाद बोलता है और देख लो कहाँ अब क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं है।
मौसम का ना कोई भरोसा नहीं है। अभी पूरा नॉर्मल था और अभी बारिश होने लगा है। कुछ क्या खाओगे आज? तुम्हारा भाई खिलाएगा। और अभी इतना जोर से बारिश शुरू हुआ और विद इन 1 मिनट खत्म हो गया, और फिर से बहुत आंधी तूफान जैसा बारिश आने लगा था। तो हम लोग बारिश से केप होने के लिए मैकडी में आ गए और ये सारा चीज़ हम लोग ऑर्डर कर लिए हैं। ये कुछ का है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये भी मेरा है, और वो ऑब्वियसली कुछ का है। तो घर वापस आ चुके हैं। ऑब्वियसली पिछला वाला क्लिप देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई बारिश का क्या ही सीन हुआ। बट एनीवेज इतना अच्छा, मतलब हमको कुछ ऑफर दिया था, जो खरीदना है खरीद लो, बट बारिश की वजह से सारा चीज सत्यानाश हो गया। अब देखो भाई, सिंपल सी लॉजिक है कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो अगर बारिश की वजह से रुक जाता है तो क्रिकेट उस दिन के लिए ना कैंसिल होता है। ऐसा थोड़ी ना कि वो एकदम खत्म हो जाता है, वो वाला मैच ही नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं। फिर कुछ बोला ठीक है चलो ये भी सही। तो बताए थे राम कि जब हुमायूं आया था बाबर का बेटा, तब पिछले बार कुछ इतना अच्छा ऑफर दिया था हमको, तब उसके बाद से आज आया है। तो सोचो वो कब आया था, 1530 आई थी, कुछ ऐसे 1530 में आया था आई गेस। सो हम बहुत बैड है मेरा हिस्ट्री। हम 2-3 चीज तो ऐसे भी खरीद लिए थे। वैसे मेरा ज्यादा कुछ खरीदने का प्लान वैसे भी नहीं, अभी के लिए मेरे पास सारा जरूरतमंद चीज है, तो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। सबसे पहला 2 चीज जो हम लिए है वो लिए हैं हम ये 2 चश्मा। तो हम वैसे चश्मा बहुत महंगा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा चश्मा या तो छूट जाता है कहीं, या फिर गिरता है तो बस भगवान को प्यारा हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम अपना महंगा महंगा चश्मा को मतलब बाय बोल दिए। ये आई थिंक मेरे को 600 या 700 का पड़ा है दोनों। उसके बाद हम लिए ये 2 फ्लैट्स। अच्छा ये दोनों दूसरा आ गया, बट इसका पेयर इधर है। पहला पेयर जो है वो ये है, काफ़ी ज़्यादा कम्फी लग रहा था, और यार चप्पल हम देखते हैं तो फिर लगता है कि ठीक है 1-2 ले ही लो, थोड़ा कमजोरी वाला विभाग में आता है मेरे चप्पल। फिर हम दूसरा लिए ये वाला, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। एंड अगेन इसके लिए, इस दोनों के लिए हम पे किए 1000 रुपये। तो अभी के लिए बस यही हुआ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं करने के लिए इस व्लॉग में दिखाने के लिए। तो इस व्लॉग को अब यहीं से अंत करते हैं। अब कुछ नया, कुछ रोमांचक अगर करेंगे जीवन में तो फिर से नया व्लॉग शुरू करेंगे। तो ठीक है चलिए अलविदा लेते हैं और जल्दी मिलेंगे आप लोग को अपने अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।